खबर है, सरकारी महकमे में एम्बुलेंस के साथ ही पहुंचा पीड़ित। सहकारिता विभाग की उपक्रम राजफेट में पहुंचा पीड़ित। पीड़ित ठेकेदार संजय कुमार गोयल का 5 साल से भुगतान अटका हुआ है। 12 के रहने वाले संजय गोयल हैंडलिंग और परिवहन का ठेका लिया था। चना सरसों गेहूं का परिवहन का अब तक भुगतान नहीं, तो 3 साल से पैरालिसिस है संजय कुमार गोयल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां सरकारी महकमे में एम्बुलेंस के साथ ही पीड़ित पहुंचा। और सहयोगी आशीष हमारे साथ लाइव इस खबर पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी है, एम्बुलेंस के साथ पीड़ित पहुंचा है सहकारिता विभाग की उपक्रम राजफेड में पीड़ित पहुंचा? देखिए, बहुत ही अजीबोगरीब ये मामला है कि पीड़ित इतना पीड़ित है कि वो एम्बुलेंस के साथ ही सरकारी महकमे में पहुंच गया। और ये सहकारिता विभाग की राजफेड उपक्रम है, जहां पर संजय कुमार गोयल जो है उनका जो वो पिछले कई सालों से पैरालिसिस है, लेकिन उनका जो पेमेंट है वो 5 साल से नहीं हो रहा है। ये अभी देखिए, इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर, और राजफेड के अंदर ये एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस के अंदर संजय कुमार गोयल है, जिनका 5 साल से पेमेंट अटका हुआ है। और ये पेमेंट जो अटका हुआ है, उनका परिवहन और हैंडलिंग के कार्य को लेकर इन्होंने ठेका लिया था, लेकिन 5 साल से जो पेमेंट है वो इनका नहीं हुआ है। बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। संजय कुमार अभी इस वक्त जो है हमारे साथ यहाँ पर एम्बुलेंस में सीधे तौर पर दे सकते हैं, हम उनसे बात ज़रूर करेंगे। संजय कुमार जी, आप बताइए, आपका दर्द इतना बढ़ गया कि आपको एम्बुलेंस के जरिए यहाँ आना पड़ा? क्या करूं साहब, मेरे घर पे लोग परेशान करते हैं, पैसे मांगने वाले परेशान करते हैं, सारे आते हैं, मेरे को मजबूर आना पड़ा, मेरे को मजबूर आना पड़ा, इस वास्ते मैं क्या करूं। पेमेंट आपका क्यों अटका हुआ है, कुछ पता पड़ा? नहीं, कोई पता नहीं है, मेरा तो मजदूरी का और परिवहन का पेमेंट है, कोई पता नहीं। कोई हमेशा पापा आते हैं जब भी, या कोई आता है तो कह देते हैं 10 दिन बाद करेंगे, 15 दिन बाद, 5 साल से यही लगा रखा है। आप पैरालिसिस हो? हाँ, हमेशा हर बार कोई भी माँ वाले कहते हैं कोटा वाले कि टेंडर डालो, इस बार पेमेंट करवा देंगे, कोई भी फिर पेमेंट के टाइम पे कोई भी साथ नहीं देता। तो आपका जो पेमेंट है, कितना पेमेंट है और क्यों अटका हुआ है, अधिकारियों से आपने कभी कई बार बातचीत की 5 साल के अंदर? कई बार कल्ली साहब, एक ही आश्वासन के 10 दिन में कर देंगे, 15 दिन में, आज भी यही आश्वासन देते हैं, पर आज तो मैं आ गया हूँ, अब तो मैं पेमेंट लेके ही जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। पेमेंट लेकर ही जाएंगे आप? मैं बिल्कुल, वहाँ भले मेरा, मेरे को यहाँ कुछ भी करना पड़े, मरना पड़े, मैं तो पेमेंट लेके जाऊँगा। ये देखिए, पीड़ा इतनी है और अपनी पत्नी के साथ ही आए हैं, पत्नी से भी हम बात करेंगे, इनकी पत्नी भी एम्बुलेंस में मौजूद है। आप बताइए, कितनी पीड़ा, कितना दर्द झेलना पड़ रहा है कि आप एम्बुलेंस के जरिए यहाँ आ गए? मजबूरन आना पड़ा कि अगर कोई सुनवाई नहीं किसी की भी, हम लोग बोलते रहते कोई सुनवाई नहीं है, हमेशा ये मरने की धमकी देते रहते कि मैं मर जाऊंगा, मुझे जहर दे दो, मुझे जहर दे दो। कल भी इन्होंने मजबूरन से आके इन्होंने मेरी चुन्नी से खुद के लगाने की कोशिश करी, इसलिए आज मुझे यहाँ आना पड़ गया। जब से फाइनेंस, बिल्कुल, एक बार एमडी से भी बात करेंगे, यहाँ के जो राजफेड एमडी है वो भी इस वक्त दफ्तर में ही मौजूद है, दफ्तर में उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्यों पेमेंट नहीं हो रहा है और क्यों यहाँ पर इस तरह से एम्बुलेंस लेकर यहाँ पर आना पड़ रहा है। और एमडी जो है वो यहाँ पर इस वक्त अंदर ही मौजूद है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये नारायण सिंह है, एमडी है यहाँ के राजफेड के, उनसे एक बार बात करेंगे कि आखिरकार क्यों इनको एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर आना पड़ रहा है। और सीधे तौर पर यदि मैं बात करूँ एमडी सर से, सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपसे माफ़ी के साथ यहाँ पर अंदर आ रहे हैं, लेकिन एक बार ज़रूर बात करना चाहेंगे क्योंकि पीड़ित व्यक्ति है और पीड़ित व्यक्ति का दर्द जो है वो यहाँ पर आए हैं, तो एक बार बात ज़रूर करना चाहेंगे सर आपसे, ये पीड़ा लेकर यहाँ पर आए हैं। आपसे वार्ता चल रही है, वार्ता पूरी हो जाए उसके बाद आपसे बात करूँगा। आपके पहले पहले आपके पास आए सर, एक बार आप आपसे बात पूरी हो जाए उसके बाद पहले आपके पास आए, आपसे चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, पहले आपसे बात पूरी हो जाए।
बिल्कुल बिल्कुल देखिए बिल्कुल देखिए बात लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, और इनके जो परिजन हैं, इनके पिता हैं, वो भी इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, और सीधे तौर पर जो बात है वो लगातार यहाँ पर इनसे की जा रही है। लेकिन सीधे हम ये जानने की कोशिश करेंगे एमडी साहब से कि आखिरकार पेमेंट क्यों अटका हुआ है। फिलहाल यहाँ पर चर्चा की जा रही है इस बात को लेकर, लेकिन मैं सीधे तौर पर यदि बात करूँ तो 5 साल से ये पेमेंट जो है वो यहाँ पर अटका हुआ है, और जो यहाँ पर जो बात है वो यहाँ पर सामने आ रही है कि 5 करोड़ का जो पेमेंट है वो यहाँ पर अटका हुआ है। लेकिन एम्बुलेंस यहाँ पर खुली हुई है, एम्बुलेंस में तस्वीर देखें तो संजय कुमार और उनकी पत्नी यहाँ पर अंदर मौजूद है। एम्बुलेंस की सीधे तौर पर जो तस्वीर है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, और जो एमडी है उन्होंने हमारे जाते ही बैल जरूर बजाई, लेकिन ये बैल कब बजेगी, एम्बुलेंस से जो पीड़ित यहाँ पर पहुँचा है उसका दर्द कैसे सुना जाएगा, सहकारिता विभाग को ये सोचने की ज़रूरत है। और उनका दर्द जो है वो यहाँ पर बयां करते हुए साफ तौर पर दिखा रहे हैं। बहुत ही अजीबोगरीब ये मामला पूरी तरीके से सामने आया है, क्योंकि इस तरह का पहला शायद ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन संजय कुमार से हम एक बार जरूर बात करना चाहेंगे फिर से। संजय जी, आपको लगता है, विश्वास है कि पेमेंट आज ही होगा? साफ हो या नहीं हो मैं तो लेके जाऊंगा। आज इन्होंने ये बोला फिर 15 दिन में देंगे, 15 दिन तक कुछ नहीं हो, फिर 15 दिन के लिए बेवकूफ, मैं तो लेके जाऊंगा। नहीं लेके जाऊंगा तो मेरा इनसे निवेदन है कि मेरे शरीर के अंग बिकवा के मेरा कर्जा चुकवा दें। तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या आपकी बात अभी तक सुनी नहीं है? मेरे घर पे रोज लोग मांगने वाले आते हैं, डेली मेरे घर वाले गालियां सुनते हैं डेली, रोज ना एक दिन भी ऐसा नहीं जाता। तो आपसे खड़ा उठा नहीं जाता? बिल्कुल नहीं जाता साहब, मैं सन 2016 से बेड पे हूँ। लगातार आप जो डिमांड पहले आपने लिखा, खत लिखा मुख्यमंत्री जी को भी लिखा मैंने, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, पीड़ित का दर्द आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर ये एम्बुलेंस है, और एम्बुलेंस में जिस तरीके से संजय कुमार है, संजय कुमार के साथ साथ उनकी पत्नी भी मौजूद है, और दर्द इस बात का है कि 5 साल से उनका पेमेंट नहीं हुआ है, कई सालों से वे पैरालिसिस है और वे बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं। अब अंदर उनका परिवार मौजूद है, उनके पिता मौजूद है, देखना होगा कि कब तक ये जो पेमेंट है उनका वो हो पाता है। और जिस तरीके से तस्वीर जो आई है, वाकई जो एक दर्दनाक तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आई है राजफेट से, क्योंकि इस तरह की पहले ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही थी। हालांकि जिस तरह से जो सूचना आ रही है, जिस तरह से जो संजय ने बताया कि मेरा ही नहीं और भी जो लोग हैं उनका पेमेंट अटका हुआ है, लेकिन जो पीड़ित यदि इस तरह से आता है तो वाकई हैरान करने वाली खबर अच्छा, होती है। आशीष, क्योंकि देखिए ये तस्वीर जो दिख रही है वो बहुत भावुक कर देती है कि एक आदमी की स्थिति इस तरह की है, और जब वो मांग कर रहा है कि बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, कैसे परिवार चलेगा, लेकिन उसके बावजूद 5 साल से उसकी सुनी ही नहीं जा रही। तो जैसा कि अभी बताया संजय ने कि जो मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री तक भी ये मसला गया, क्या पूर्व मुख्यमंत्री तक भी पत्र लिखा गया, और जब अब सरकार बदली तो क्या उनको भी पत्र लिखा गया, नहीं लिखा गया तो क्या निवेदन करना चाहेंगे? बिल्कुल संजय, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे, क्या पूर्व मुख्यमंत्री को भी आपने खत लिखा, उनसे आपने गुहार लगाई थी पिछली सरकार में भी और इस सरकार में? लगाई सब, पिछली बार भी कई बार लगाई, इस बार भी अभी मैंने 24 जून को मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसकी कॉपी मैंने एमडी को, एमडी राजफेड़, चीफ सेक्रेटरी सबको करी है सर, विभाग के प्रमुख सचिव को भी करी है। हाँ, तो क्या उम्मीद है आपको, उम्मीद लगती है कि आपको पेमेंट होगा आज? मेरे को अगर नहीं हुआ साहब तो मैं तो यूँ कह रहा हूँ मत करो, आपके पास नहीं है पैसा मत करो, मेरे अब मेरे शरीर के अंग बेच के मेरे घर वालों को शांति आ जाए, उनका कर्जा चुक जाना चाहिए। आपने कभी ये कोशिश करी कि जब तक अरेंज हुआ मैंने कर लिया, मेरी मजबूरी आ गई इसलिए मैं आया हूँ। कितनी बार आया अभी यहाँ डिपार्टमेंट? मैं पहली बार आया हूँ सर। अच्छा, मैंने हमेशा लेटर ही लिखा है, जब तक मेरी व्यवस्था बैठती थी मैंने कर्जा इधर से लिया उधर से लिया जैसे भी कर लिया, पर अब मेरी बिल्कुल भी बस की नहीं। वहाँ के स्थानीय अधिकारियों से मिले आप कभी? हाँ, स्थानीय अधिकारियों ने भी खूब पत्र लिख रखे हैं, वो कहते हैं कि तुम ही करो कार्रवाई।
तो ये तस्वीर उस बेबसी की, उस मजबूरी की तस्वीर है जो आज आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति जो पलंग से उठ भी नहीं सकता है, उसे एम्बुलेंस में आना पड़ा, और इसलिए क्योंकि 5 साल से उसका एक पेमेंट रुका हुआ है, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन उसके बावजूद सुना उसको नहीं जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम